दोस्तों आर्मी या पुलिस के फिजिकल में सबसे ज्यादा डर किसी चीज का लगता है तो वो है दौड़। चाहे 1600 मीटर दौड़ हो या 5 किलोमीटर। और उस डर के पीछे जो कारण है वो है, एक तो प्रैक्टिस नहीं हो पाना, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बॉडी कमजोर होना, जल्दी थक जाना, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है स्टेमिना की कमी। ये कुछ ऐसे कारण है जिनके कारण आप रनिंग नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको रनिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे पावरफुल टिप्स बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आई एम श्योर कि 1 महीने के अंदर अपनी रनिंग और टाइमिंग दोनों कवर कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों रनिंग के दौरान जो मेन प्रॉब्लम होती है वो जैसे पेट दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, शिन पेन, वजन कम पड़ जाना या चेस्ट कम पड़ जाना, स्टेमिना की कमी। तो जो इन टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये इन सारी चीजों को कवर कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके बावजूद अगर आपके माइंड में कोई भी प्रश्न हो या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख देना। तो चलिए शुरू करते फिटनेस, हैं। हेल्थ और डाइट टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है स्मार्ट वर्क, दूसरा होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क में आप शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं और स्मार्ट वर्क में आप दिमाग के साथ उस काम को करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमने देखा है क्रिकेट में काफी सारे बैट्समैन जिनमें पावर नहीं होता, इसके बावजूद वो लंबे शॉट और काफी लंबी देर तक वो अपनी इनिंग खेलते हैं क्योंकि वो कुछ टेक्निक को फॉलो करते हैं। उसी तरह आपको भी रनिंग की टेक्निक फॉलो करना होगा जिससे आपके लिए रनिंग करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, नंबर वन टिप जो है वो ये है कि रनिंग की शुरुआत कैसे करें। काफी सारे लड़के रनिंग करने जब आते हैं ग्राउंड पे, चाहे 1600 मीटर हो या 5 किलोमीटर, वो फर्स्ट डे ही 2 राउंड 3 राउंड लगाने लग जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम पे रनिंग के लिए रेडी नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप रनिंग की तैयारी करो पहले ग्राउंड पे आए 1-2 दिन। आपको अगर 5 किलोमीटर या 1600 मीटर जितनी भी रनिंग करनी है तो आप पहले 2-3 राउंड पैदल चलें, उसके बाद आप एक्सरसाइज से शुरुआत करें ताकि आपकी बॉडी गर्म हो जाए, आपकी बॉडी रनिंग के लिए अनुकूल हो जाए। इससे आपके मांसपेशियों में दर्द नहीं होगा, खिंचाव नहीं होगा। वरना अगर आप डायरेक्ट रनिंग शुरू करेंगे तो 2 से 3 दिन बाद आपकी पूरी बॉडी में पेन होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि पहले आप वार्म अप करें, अपनी बॉडी को गर्म करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो करें। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है रनिंग आउटफिट। आपको रनिंग के लिए पहनना क्या है, ऐसा नहीं कि आप जैसे जींस पहन के आए फर्स्ट डे से ही आपने रनिंग स्टार्ट कर दी। आउटफिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आप रनिंग करने आए आप मेक श्योर जैसे लोअर शॉर्ट या टी शर्ट, आपको प्रॉपर ड्रेस हो, उसके बाद आपको शूज पहनना है। चप्पल या सैंडल में आप रनिंग नहीं करें, शूज भी पीछे से उठे हुए शूज, जो स्पोर्ट्स शूज होते हैं वही आपको पहनने हैं। और जो गर्ल्स हैं वो स्पोर्ट्स ब्रा पहने हैं, और जो बॉयज हैं वो नीचे सपोर्टर आता है, आपको स्पोर्ट्स की दुकान पे सपोर्टर मिल जाएगा, तो आप सपोर्टर जरूर पहने। इससे क्या होगा, रनिंग के दौरान काफी सारे लड़कों में जो हाइड्रोसिल प्रॉब्लम होती है, जैसे अंडकोश में पानी भर जाने की प्रॉब्लम, तो वो हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप सपोर्टर पहने उसके बाद ही रनिंग करें। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की, रनिंग के दौरान होता क्या है, हम 1 राउंड लगाए 2 राउंड लगाए उसके बाद आपके साथ श्वास फूल जाती है और आप थक जाते हो। तो अब आपका श्वास पे कंट्रोल जरूरी है और श्वास लेने का सही तरीका क्या है ये आपके लिए जानना जरूरी है। दोस्तों पहली तो ये चीज, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रनिंग कर रहे हैं श्वास लें तो आप छोटी सांस नहीं लें, आपको लंबी और गहरी श्वास लेनी, क्योंकि आप छोटी सांस लोगे तो आप जल्दी हांफ जाओगे, जल्दी थक जाओगे। तो आपको लंबी सांस छोड़नी है और लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है। इससे क्या होगा, आपके जो फेफड़े हैं पूरी कैपेसिटी से काम करेंगे और आपके फेफड़े में अच्छी तरह ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो आप जल्दी नहीं थकोगे। अब इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि श्वास आपको नाक से लेना है या मुंह से लेना है। दोस्तों मेरी राय यह है कि आप अगर लंबी रनिंग करनी है, आपको लंबी रनिंग में आप पहले प्रयास करें 2 राउंड 3 राउंड जब भी हो, जितना आपसे हो सके उतना आप पहले नाक से श्वास लें। इससे क्या होगा, आप अगर डायरेक्टली मुंह से श्वास लेते हैं तो आपका गला जल्दी से सूख जाएगा। तो पहले आप नाक से श्वास लें, उसके बाद आपको लगे कि हाँ आप अब हांफ रहे हो तो आप फिर मुंह खोल के मुंह से सांस ले सकते हैं। इसके बाद काफी सारे लड़के रनिंग करते हैं, 1 राउंड लगाते हैं 2 राउंड लगाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं एकदम से रुक जाते हैं। अब आप अगर आपकी सांस फूल गई है तो आपको क्या करना है, जैसे आपने 2 राउंड लगाए आपकी सांस फूल गई तो आप रुक जाएं कुछ देर, थोड़ा चलें 100 मीटर 200 मीटर चलें, आप जैसे ही नॉर्मल हो जाएं उसके बाद आप वापस से रनिंग स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं है, तो आप अगर पहले फास्ट रनिंग कर रहे हैं तो उसके बाद आप एकदम से ना रुके, आप अपने पैरों के स्टेप छोटा कर लें, धीरे धीरे आप दौड़ने लग जाएं। जैसे ही आपको लगे कि आपकी श्वास कवर हो गई वापस से आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए। तो दोस्तों आपको ये श्वास लेने का तरीका सही तरीके से जानना जरूरी है, इससे आपको थकने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आपका स्टेमिना। अब स्टेमिना क्या चीज है दोस्तों,
स्टेमिना दो तीन चीजों से मिलके बना है। जैसे इसमें आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, आपके शरीर की कैपेसिटी कि आपके शरीर की क्षमता कितनी है, आपकी ताकत, इन सब को मिला के आपका स्टेमिना बनता है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है डाइट। जब भी आप रनिंग करते हो, हमने देखा है कि रनिंग में अगर किसी जीव का नाम आता है तो नंबर वन जैसे घोड़े का नाम आता है, टाइगर का नाम आता है, तो इन दोनों की डाइट क्या है? एक तो घोड़ा जो होता है वो चना खाता है और जो टाइगर होता है वो नॉनवेज खाता है, मतलब चिकन मटन। तो उसकी डाइट में इन दोनों चीजों के पीछे लॉजिक क्या है? इन दोनों, चाहे आप चना लो या आप चिकन लो, इनमें आपको प्रोटीन मिलता है। मैं आपको नॉनवेज खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको प्रोटीन लेना जरूरी है, क्योंकि जब आप रनिंग करोगे, रनिंग के दौरान हमारे मसल्स डैमेज होते हैं, हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं, टूटते हैं, तो उनको रिपेयर होने के लिए वापस अगर आप डाइट नहीं लोगे तो वो रिपेयर नहीं हो पाएंगे। और नेक्स्ट डे आप रनिंग करने जाओगे तो आपको पहले से आपके शरीर में उससे ज़्यादा एनर्जी लेना जरूरी है, तभी आप वहाँ एनर्जी लगा पाओगे। तो आपको आपकी डाइट में प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन लेना है ताकि आपकी मसल्स स्ट्रांग हो, आपके शरीर में ताकत आए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है एनर्जी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के काफ़ी सारे सोर्स हैं, प्रोटीन के भी। प्रोटीन के लिए आपको एक सिस्टमेटिक डाइट बता देता हूँ, वो है आपको क्या करना है, मूंग लेने हैं, मूंग में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। आपको चने लेने हैं, चने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। फिर आपको लेते हैं मूंगफली के दाने। तो ये आपको क्या करना है, अगर आपकी कैपेसिटी हो तो आप उसमें कुछ 3 से मतलब 5-7 दाग किशमिश जिन्हें हम बोलते हैं, और बादाम, 3 से 4 बादाम, ये आप मिला के नाइट में भिगो दे, और सुबह आपको रनिंग करके जाने के बाद ये डाइट लेनी है। इससे क्या होगा, एक तो आपका रनिंग के दौरान जो वेट कम पड़ जाता है, मतलब हमारे शरीर का जो वजन कम पड़ जाता है, वो वापस से कवर हो जाएगा, वेट कम नहीं पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोटीन से हमारे शरीर वापस से रेडी हो जाएगा। तो आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में आप केला ले सकते हो, शहद ले सकते हो, चने हैं, मतलब चने के अलावा चावल है, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिनको आपको कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप ले सकते हो। अब आपको दोस्तों इंस्टेंट एनर्जी के लिए, जैसे हमारे स्पेशली गर्मी में ये चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे शरीर में जो एनर्जी मिलती है हमें ग्लूकोज से मिलती है, और हमारे शरीर में वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, तो उससे हमारा पूरा दिन, हमारा जो है बॉडी फंक्शन करती है और हमें एनर्जी मिलती है। अब हम जैसे हमारे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे गाड़ी में पेट्रोल होता है, जब तक वो पेट्रोल है वहाँ तक गाड़ी चलेगी, जैसे ही पेट्रोल खत्म होगा वो गाड़ी रुक जाएगी। तो अब आपके शरीर में भी जब तक एनर्जी है तब तक आपकी गाड़ी चलेगी और रुक जाएगी, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लेने की ज़रूरत है। और स्पेशली गर्मियों में जब हमारे शरीर के साथ डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें ग्लूकोज लेना है, ओआरएस लेना है, तो ये सारे एनर्जी के सोर्स हैं और हमारे शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको चाहे ओआरएस हो या आपको इलेक्ट्रोल पाउडर जो आता है वो भी हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ओआरएस हो गया, ग्लूकोज डी हो गया, तो ये बाजार में सस्ते प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। आपको रनिंग से ये ध्यान रखें, तुरंत नहीं लेने, रनिंग से पहले नहीं लेना, आपको रनिंग से 1 से 2 घंटा पहले आप ले लें, क्योंकि रनिंग से पहले ना तो आपको ज़्यादा खाना है ना ज़्यादा पीना है, इससे आप रनिंग नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये तो थी रनिंग से रिलेटेड। अब इसमें स्टेमिना के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है वार्म अप या एक्सरसाइज। हमारे शरीर में आज आप अगर 1 किलोमीटर दौड़ पा रहे हो, 10 दिन बाद आप 2 किलोमीटर दौड़ पा रहे हो, तो उसका कारण है आपका स्टेमिना बढ़ गया है। तो स्टेमिना मतलब आपकी श्वास अब जल्दी नहीं फूलती, आपका शरीर, आपके शरीर में ताकत है। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है रेगुलर। रनिंग के अलावा आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज है, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। और ये एक्सरसाइज हमारे स्टेमिना को रनिंग के इक्वल, हमारे शरीर की जो कैलरी है उतनी बर्न कर देती है, इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है। दोस्तों इन एक्सरसाइज को फॉलो करने के अलावा आपको डेली पुशअप करनी है रनिंग के बाद। पुशअप से होगा क्या, रनिंग के दौरान जो हमारा चेस्ट उतर जाता है वो नहीं होगा, आपका चेस्ट वापस से कवर हो जाएगा, क्योंकि रनिंग के बाद आप कोई भी भर्ती हो आपका चेस्ट नापा जाएगा, तो चेस्ट को भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये थी डाइट से रिलेटेड। इसके अलावा भी अगर आपको डाइट में कुछ भी जानना हो तो मुझे कमेंट कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों ग्राउंड में भर्ती के दिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नंबर वन, तो जब भी आपकी भर्ती हो मेक श्योर आपसे उससे 2 या 3 दिन पहले रनिंग बंद कर दें, क्योंकि आपको शरीर में एनर्जी को बचा के रखना जरूरी है, तभी आप वहाँ पूरी एनर्जी लगा पाओगे। इसके अलावा जो लंबी रनिंग करते हैं, सड़क पे दौड़ते हैं, उन लोगों से निवेदन है कि वो ग्राउंड में रनिंग करें, क्योंकि भर्ती जो होती है ग्राउंड में ही होती है, तो ग्राउंड में काफ़ी सारे बच्चों को चक्कर आने की प्रॉब्लम रहती है, वहाँ 100 लड़कों के बीच में दौड़ना पड़ता है, वहाँ रनिंग का जो स्पेस है वो कम होता है। और तो ये कुछ चीज़ें हैं, माइनर चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वहाँ अगर 100 लड़कों के बीच में आप दौड़ते हो तो वहाँ ग्राउंड में धूल उड़ने की समस्या होती है, इससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, तो इन चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। दोस्तों इसके अलावा भी आपके माइंड में रनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह फिजिकल के वीडियो आप चाहते हैं
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।